माल्या अंचोपल शाहपुरा मोहल्ला की ओर से होगा महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन की सफलता के लिए भगवान गणपति को दिया गया निमंत्रण। बरसों पुरानी नहर से अतिक्रमण हटाने की मांग, ग्राम पंचायत रास के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। डीडीआर भावना गर्ग ने किया नगर परिषद का निरीक्षण, विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेते हुए दिए दिशा निर्देश। और श्री बांके बिहारी मंदिर में एकादशी सत्संग महोत्सव का आयोजन, कृष्ण दीवान के स्वरागनी ग्रुप ने दी भजन की प्रस्तुतियां। नमस्कार, जे स्काई न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं करिश्मा परिहार, आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। माल्या अंचोपल शाहपुरा मोहल्ला की ओर से विगत कई वर्षों से स्वस्थ मनोरंजन के लिए आयोजित किया जाने वाला महामूर्ख सम्मेलन इस वर्ष 24 मार्च को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की सफलता के लिए बुधवार को आयोजन समिति की ओर से भगवान गणपति को निमंत्रित किया गया। इस दौरान शहर के सूरजपोल गेट बाहर स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंचे पदाधिकारियों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हुए सम्मेलन की सफलता के लिए प्रार्थना की। इस दौरान राजेश भाटी, ताराचंद साकला, देवराज सोनी, कन्हैयालाल देवड़ा, राजू चावड़ा, नितिन परिहार तथा विष्णु जलवानिया सहित अन्य शामिल रहे। समिति के राजेश भाटी ने बताया कि 24 मार्च को माल्या चौपड़ पर आयोजित होने वाले महामूर्ख सम्मेलन में बाहर से भी कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। गणपति जी को निवटने आए हैं, महामूर्ख सम्मेलन का एक भव्य आयोजन किया जाएगा माल्या की चौपड़ पे 24 मार्च को। और आपको सबसे अधिक से अधिक संख्या में पधारना है और इस आयोजन को सफल बनाए, जिसमें कई बाहर से कलाकार भी आएंगे, जिसमें रंगारंग प्रोग्राम भी रखा गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। राशन कार्डधारी को अब अपने डीलर के यहां से राशन लाने के लिए बैग की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रचार के लिए बैग उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिस पर प्रधानमंत्री का फोटो छपा है। साथ ही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत रसद सामग्री का भी विवरण दर्ज है। 10 किलोग्राम क्षमता का राशन डीलरों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाएगा, जिससे यहाँ सरकार की योजना का प्रचार प्रसार होगा। इसी माह में सभी उपभोक्ताओं तक ये बैग उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जिला रसद अधिकारी हरिप्रसाद ने बताया कि ब्यावर जिला क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 10 किलो क्षमता वाला कैरी बैग डीलर द्वारा दिया जाएगा, जिससे उन्हें राशन लेने के लिए और ले जाने के लिए कोई परेशानी नहीं हो सकेगी। प्रत्येक लाभार्थी उपभोक्ता को रसद सामग्री के साथ ये बैग दिया जाएगा। सभी प्रवर्तन अधिकारियों सहित राशन डीलरों को आवश्यक रूप से बैग का उठाव कर राशन उपभोक्ताओं को वितरण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हिंदू पंचांग का आखिरी महीना यानी 12वां महीना फागुन शुरू हो गया है। इस महीने में दो महत्वपूर्ण त्यौहार रहेंगे। 8 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, जो कि इस त्यौहार को और अधिक शुभ बना देती है। दूसरा रंगों का त्यौहार होली का पर्व मनाया जाएगा। इस माह भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पंचांग के मुताबिक इस वर्ष महाशिवरात्रि 8 मार्च को शुक्रवार को मनाई जाएगी। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को रात 9:57 पर शुरू होगी और 9 मार्च को शाम 6:17 पर ख़त्म होगी। इसलिए प्रदोष काल पूजा के मुहूर्त के हिसाब से 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि के मौके पर शहर के प्रमुख शिवालयों में आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी। पंडितों ने बताया कि इस मौके पर भक्त शिवलिंग की दूध, दही, शहद, गुलाब जल आदि के साथ हर 3 घंटे के अंतराल में पूजा करते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से धन, सौभाग्य, समृद्धि, संतान और आरोग्य की प्राप्ति के साथ समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। वैदिक विधि द्वारा पूजन करने से काल्प सर्प दोष, मंगल दोष, गुरु चांडाल दोष, अंगारक योग एवं राहु केतु व चंद्रमा के अशुभ होने से व्यक्ति को मानसिक तनाव होता है। भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पंडितों के अनुसार जो लोग संतान सुख पाना चाहते हैं, उन्हें बाल कृष्ण की पूजा करना चाहिए। जो परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें राधा कृष्ण, और जो ज्ञान पाना चाहते हैं, उन्हें गुरु कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन में श्री कृष्ण और चंद्र की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि चंद्रदेव का जन्म फाल्गुन माह में ही हुआ था। इस
इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। जैसा कि हर वर्ष सभी मंदिरों के अंदर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है, वैसे इस वर्ष भी सभी मंदिरों में यहाँ महादेव जी क्षेत्र में भी सुबह 4 बजे से ही विशेष पूजा अर्चना का क्रम चालू होगा और शाम के समय सुंदर श्रृंगार होगा। रात्रि में भगवान शंकर के रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा, पाठ का कार्यक्रम होगा और इसी प्रकार सभी मंदिरों में बहुत अच्छा कार्यक्रम होंगे। इस बार शिवरात्रि शुक्रवार प्रदोष के दिन मनाई जा रही है, क्योंकि 13 के दिन रात्रि में निषिद्ध काल में चतुर्दशी रहेगी, इसलिए 13 शुक्रवार के दिन ही प्रदोष के दिन ही शिवरात्रि मनाया जाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 8 तारीख को शिवरात्रि सभी भक्तों से निवेदन है, धूमधाम से मनाएं, भगवान शंकर का अर्चन आनंद के साथ में करें। श्री क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत छावनी ब्यावर की आवश्यक बैठक मंगलवार देर रात को आयोजित की गई। छावनी स्थित समाज भवन पर आयोजित बैठक के दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने पहला टाक उर्फ गोरू भाई को सर्वसम्मति से श्री क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत छावनी ब्यावर का अध्यक्ष मनोनीत किया। इस दौरान उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने निवर्तमान अध्यक्ष रंजीत साकला के कार्यकाल की सराहना करते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल गहलोत की अध्यक्षता में समाज हित में कई अहम निर्णय लिए। इस दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष पहला टाक का फूल माला पहनाते हुए स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। बैठक में शंकरलाल दगदी, सत्यनारायण, राधा कृष्ण कुंदन दगदी, ओम प्रकाश, भवलाल, हरिराम, चंपालाल, नेमीचंद, कमल कुमार, ताराचंद, चेतन, बाबूलाल तथा सुखदेव सहित अन्य समाज बंधु उपस्थित रहे। सिटी थाना पुलिस ने अवैध पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अवैध स्मैक पाउडर सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4.7 ग्राम स्मैक पाउडर भी बरामद किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया आरोपी चंद्र प्रकाश जोशी उर्फ अनुराग पुत्र राधेश्याम जोशी निवासी सेंद्रा रोड विकास नगर ब्यावर है। उक्त कार्यवाही महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज अजमेर श्रीमती लता मनोज IPS के आदेशानुसार वे जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह IPS के निर्देशन में है तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नैमीचंद खारिया RPF के निकटतम सुपरविजन में सिटी थाना अधिकारी नाहर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने की। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस ने उक्त कार्यवाही ईसाई कब्रिस्तान छावनी फाटक बाहर की गई। कार्यवाही टीम में कांस्टेबल भगवान सिंह, सोहनलाल, देशराज दिनेश तथा दुर्गाराम आदि शामिल रहे। श्री मारूसेन समाज पंचायत बोर्ड संस्था ब्यावर की ओर से श्री सेन जयंती महोत्सव आगामी 5 मई को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जयंती महोत्सव के दौरान ही समाज की दो कन्या परिणय सूत्र में बंधेगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर श्री मारूसेन समाज पंचायत बोर्ड संस्थान एवं महिला मंडल के सदस्य एवं पदाधिकारी प्रथम पूज्य श्री गणपति भगवान को निमंत्रण हेतु बुधवार को शहर के सिरजपोल गेट स्थित श्री प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंचे। गणपति को निमंत्रण देने हेतु समाज के गणमान्य लोग श्री मारूसेन मंदिर से ढोल धमाकों के साथ रवाना हुए। इस दौरान समाज बंधु भगवान गणपति तथा श्री सेन जी महाराज के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। महिलाएं मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर समाज बंधु प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंची, जहां पर उपस्थित सभी ने भगवान गणपति का विधि विधान के साथ पूजन किया। इस दौरान समाज बंधुओं ने भगवान गणपति को प्रथम निमंत्रण देते हुए कार्यक्रम को निर्विघ्न सफल बनाने के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पंडित उमेश दादिस द्वारा गणपति महाराज की पूजा अर्चना करवाई गई तथा कार्यक्रम में पधारने का न्योता दिया गया। इस मौके पर संयोजक रामदेव गड़ेजा चौहान से संयोजक कमलेश आंचल, बड़ गुजर समाज अध्यक्ष दिलीप सेन, एसोसिएशन अध्यक्ष गोपाल छापरवाल, बोधूलाल धांदल, रामेश्वर लाल सिसोदिया, मंत्री रामनिवास सेन, बाबूलाल गहलोत, जगदीश प्रसाद गहलोत, प्रहलाद गहलोत, मुकुट बिहारी, सुशीला चौहान, कैलाश चौहान, महावीर प्रसाद मेवाड़ा, आलोक मेवाड़ा, सुनील हर्षवाल, नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष कपिल गहलोत, मंत्री मयंक सेन, महिला मंडल अध्यक्ष उगमा गहलोत, मंजू मेवाड़ा, इंदिरा गहलोत, पपीता परिहार, कांता गहलोत तथा इंदिरा बड़गुजर आदि समाज की महिलाएं, पुरुष और युवा शक्ति मौजूद रहे। पाँच मई 2024 रविवार को सेन जयंती के उपलक्ष में एवं दो वैवाहिक जोड़ा इस कार्यक्रम के तहत आज हम निमंत्रण देने के लिए आए। पूरे समाज बंधु, महिला मंडल, एसोसिएशन, नवयुग मंडल, सभी लोग आज भगवान को निमंत्रण देने के लिए आए। हमारा काम अच्छी तरह हो, बढ़िया हो और आप हमारे वहाँ साथ में रहकर हमारा काम को अच्छी तरह करें।
निकटवर्ती ग्राम पंचायत रास के ग्रामीणों ने गांव में स्थित बरसों पुरानी नहर से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। अपनी उक्त मांग को लेकर ग्राम पंचायत रास के ग्रामीणों ने सरपंच ज्योति महावर के सानिध्य में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत रास के खसरा संख्या 648 व 649 में पानी की आवक के लिए बरसों पुरानी नहर बनी हुई है, जिससे गाँव के तालाब में पानी की आवक होती है। उक्त नगर को कुछ ग्रामीण ने अवरुद्ध कर दिया है, जिसके कारण तालाब में पानी की आवक रुक गई है। ग्रामीणों ने जनहित के लिए उक्त नहर को अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर नहर को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सरपंच ज्योति महावर, पृथ्वी सिंह चौहान, हनुमान राम सवेदा, दिनेश सांकला, सोहन लाल, बद्रीलाल पुखराज, दिनेश कुमार, हेमाराम, भगवती देवी तथा नाथूराम सहित अन्य शामिल रहे। हमारे गांव की पुरानी नहर है, काफ़ी वर्षों से राजा महाराजों के टाइम से चल रही नहर है, जिसको रास के कुछ अतिक्रमणकारी उसको बंद कर रहे हैं, उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए। तो कलेक्टर साहब ने विश्वास दिलाया कि इस बारे में पूरी जानकारी करके आपको मतलब काम कराएंगे। शहर के समाज सेवी किशोर सिंह कच्छावा और विनायका माइक्रोन ने अपने सामाजिक सरोकार के तहत एकेज के शिशु वार्ड के लिए 105 बेडशीट बेड की है। बुधवार को शिशु वार्ड में आयोजित एक सादा कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी कच्छावा ने अस्पताल प्रशासन को बेडशीट भेंट की। इस दौरान विनायका माइक्रोन के निर्देशन में प्रवीर सिंह कच्छावा, CMHO डॉक्टर संजय गहलोत, डिप्टी CMHO डॉक्टर हरीश आडवाणी, डॉक्टर मनोहर सिंह चंदावत, नर्सिंग अधीक्षक हनुमान नामा, चिल्ड्रन वार्ड इंचार्ज गगन अरोड़ा, अभिषेक सुराना, सुनील बिलवाल, संजय तंदेल, दिनेश, विपिन प्रजापत तथा विनोद सेन आदि उपस्थित रहे। किशोर सिंह कच्छावा एवं विनायक माइक्रोन के इस उत्कृष्ट समाजसेवी कार्य की अस्पताल के शिशु वार्ड के स्टाफ एवं मरीजों ने भूरी भूरी प्रशंसा कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रांतीय राजपूत महासभा की ओर से आगामी 4 अप्रैल को सामूहिक गणगौर उद्यापन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। शहर के सतपुलिया स्थित फतेहपुरिया बगीची में आयोजित पर्व के दौरान समाज की महिलाएं सामूहिक रूप से गणगौर का उद्यापन करेगी। इस मौके पर श्री गोपाल जी मोहल्ला स्थित बड़ा मंदिर से जेले लेने हेतु प्रस्थान करेगी। पर्व आयोजन को लेकर बुधवार को गणपति की स्थापना की गई। गणपति स्थापना के बाद पर्व के सफल आयोजन को लेकर महासभा पदाधिकारियों ने भगवान गणेश को निमंत्रित किया। इस मौके पर प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंचे समाज पदाधिकारियों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हुए प्रथम निमंत्रण दिया। गणपति निमंत्रण के दौरान भगवान सिंह राठौड़, भवानी सिंह सोलंकी, गजेंद्र सिंह चौहान, ब्रह्म सिंह पवार, गोपाल सिंह चौहान, रमेश चौहान, देवी सिंह गौड़, सज्जन सिंह, बंटी तवर तथा विजय सिंह कच्छावा सहित अन्य शामिल रहे। इस वर्ष भी चैत्र शुक्ल तृतीया को महिलाओं का सामूहिक गणगौर उद्यापन आयोजन प्रांतीय राजपूत महासभा के नेतृत्व में दिनांक 11/4/2024 को फतेहपुरिया बगीची अजमेर रोड पर रखा गया है। इसमें समाज की प्रत्येक महिला, चाहे वो किसी पंचायत से संबंध रखती हो या किसी वार्ड से संबंध रखती हो, निसंकोच आकर के भाग ले सकती हैं। उन्हें मात्र 1500 रुपये का भुगतान करना है, जिसमें उनकी गोलियों को उपहार और भोजन आदि की सुविधा समाज द्वारा दी जाएगी और संपूर्ण समाज मिलकर के इन महिलाओं के भोजन आदि की व्यवस्था में अपना तन मन धन से सहयोग सर्वदा की तरह इस बार भी प्रदान करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। नगर परिषद प्रशासन की ओर से बुधवार को शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के टाटगढ़ रोड स्थित अंबेडकर भवन में आज कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह वे ALF के सदस्यों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान सभापति नरेश कनोजिया, पूर्व सभापति लेखराज कंवरिया, श्रीमती प्रीति शर्मा, पार्षद श्रीमती मुन्नी देवी गहलोत, श्रीमती सुनीता भाटी, गोपाल सिंह रावत, मंगल सिंह मोनू, मनोज राज तंवर, शंकर यादव, भरत कुमार, सुरेंद्र सोनी, श्रीमती इंदु शर्मा, ईश्वर तंवर, श्रीमती दमयंती जयपाल, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार यादव, वरिष्ठ सहायक सुरेश काठात, अब्दुल सलीम, कनिष्ठ सहायक लखविंदर सिंह, कनिष्ठ सामुदायिक संगठन प्रहलाद सिंह रावत एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
श्री कुमावत पंचायत सभा ब्यावर द्वारा आयोजित 22वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 12 मार्च मंगलवार को जाना नगर जालिया रोड ब्यावर पर संपन्न होगा। सम्मेलन में 14 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। विवाह सम्मेलन को लेकर समाज पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा बुधवार को प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को निमंत्रण हेतु प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंचे। इस दौरान समाज पदाधिकारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत गणपति पूजन कर समाज के ध्वज को गणपति मंदिर पर स्थापित कर विवाह सम्मेलन को सकुशल करवाने की प्रार्थना की। गणपति निमंत्रण के दौरान कुमावत समाज अध्यक्ष हेमंत गोडेला, सम्मेलन संयोजक नरेंद्र साहोरिया, प्रभारी छोटूलाल गोडेला, से संयोजक महावीर धुमानिया, शांतिलाल बड़वाल, गणेश सिंगीवाल, शांतिवाल खाटूवाल, समाज महामंत्री पुरुषोत्तम अनावड़िया, एडवोकेट विनोद दम्बीवाल, कोषाध्यक्ष प्रमोद जालवाल एवं संरक्षक कन्हैयालाल देवतवाल, ओम प्रकाश जालवाल, गोपाल गुरु, सुशीला गोडेला, पूर्व पार्षद पूजा कुमावत, रेखा खाटूवाल, भाग्यवंती धुंधारिया, पिंकी करोड़ीवाल, संतोष धुमानिया तथा डॉक्टर ज्योति झुंझोरिया सहित समाज के अनेक पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित रहे। फुलेरा दूज है और हमारे समाज का 22वां सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। इसमें 14 जोड़े हैं, कुमावत समाज का सम्मेलन है, 14 जोड़े हैं। इसमें ब्यावर, पिसांगन, धावला, पुष्कर, किशनगढ़, जयपुर, सीकर अनेक स्थानों से हमारे ब्यावर में जुड़े हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से सम्मेलन मनाया जा रहा है। आज हमने गणेश जी का निमंत्रण प्रथम पत्रिका देकर के संपूर्ण किया। 11 मार्च को पहली बार कुमावत महिला मंडल द्वारा सम्मेलन स्थान पर ही महिला संगीत का आयोजन बहुत ही जोर शोर से किया जाएगा। 12 मार्च का हमारे दितोली और पाणीग्रहण संस्कार का सारा कार्यक्रम, सारी व्यवस्था है, सबकी जिम्मेदारी हमने दे दी है। आने वाले समय में पूरा समाज एकजुट होकर के सम्मेलन की तैयारियों में जुट गया है और सम्मेलन को संपन्न कराएगा। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय गहलोत ने बुधवार को राजकीय अमृत को चिकित्सालय की एमसीएच विंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर गहलोत ने एमटीएस वार्ड तथा थैलीसीमिया वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी तथा वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोहर सिंह चंदावत ने सीएमएचओ डॉक्टर गहलोत को एमटीएस वार्ड में कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले उपचार तथा आहार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वार्ड में शहर सहित जिले भर से अन्य स्थानों से आने वाले कुपोषित बच्चों को समुचित उपचार दिया जाकर उन्हें कुपोषण से बाहर निकालने हेतु कार्य किया जा रहा है, जिसके परिणाम भी सार्थक आ रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर गहलोत ने थैलीसीमिया वार्ड का भी अवलोकन किया, जहां पर रक्त की कमी से जूझ रहे बच्चों को दिए जाने वाले उपचार के बारे में जानकारी ली। वार्डों के अवलोकन के पश्चात सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत ने संतोष जताते हुए वार्ड में कार्य करने वाले चिकित्सकों तथा नर्सिंग कर्मियों की सराहना की। वार्ड निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर हरीश आडवाणी, डॉक्टर मनोहर सिंह चंदावत, नर्सिंग अधीक्षक हनुमान नामा तथा नर्सिंग स्टाफ गगन अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। अमृत कौर हॉस्पिटल में निरीक्षण किया गया, जहाँ पे एमटीएस वार्ड और एमसीएच विंग में है एमटीएस वार्ड और बच्चों का जो आईसीयू और सामान्य वार्ड है बच्चों का, जहाँ गंभीर बच्चों का भी इलाज किया जा रहा है, वहाँ पे जॉइंट निरीक्षण किया गया। एमटीएस वार्ड में उन बच्चों को स्क्रीन और इलाज किया जाता है जहाँ पे वो किसी वजह से कुपोषित रह जाते हैं। अभी जितने भी शिशु अस्पताल में जितने भी एडमिट बच्चे हैं, वो किसी वजह से अगर उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, वो लोग जो इन हाउस उनके वार्ड में ट्रांसफ़र होते हैं, और बाहर से भी दूसरे संस्थानों से भी, जिले में कहीं से भी अगर कोई कुपोषित बच्चा है, तो मैं आह्वान करता हूँ सभी संस्थाओं से कि यहाँ जिला अस्पताल में एमटीएस वार्ड में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, यहाँ पे बच्चों को आप रेफर करें, अच्छी उनको केयर मिलेगी, सभी कुछ निशुल्क हैं और उपचार के पश्चात उनको घर छोड़ने के लिए भी एम्बुलेंस की व्यवस्था भी अस्पताल प्रशासन द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, तो सभी इस सुविधाओं का लाभ लें। साथ ही अटैच थैलीसीमिया वार्ड भी देखा गया, वहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। प्रतिदिन जो भी थैलीसीमिया के पेशेंट हैं उनको
कई दिनों तक वार्ड में भर्ती रहने की सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, साफ सुथरा वार्ड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। तो मुझे मालूम पड़ा है कि रेड आर्मी के द्वारा भी यहाँ पे अच्छा सहयोग किया जा रहा है, ब्लड समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। अन्य लोगों से भी मैं आह्वान करूँगा कि अस्पताल में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी नहीं आने दी जाए, ताकि जो सेवा का कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके और जो थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चे हैं उनको नियमित रूप से ब्लड की कोई कमी नहीं आए। जिला क्षय रोग निवारण केंद्र पर बुधवार को एक रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में CMHO डॉक्टर संजय गहलोत ने भी शिरकत की। रिव्यू बैठक के दौरान जिला क्षय निवारण केंद्र की ओर से चलाए जा रहे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत किए जा रहे सर्वे की समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित STS तथा STLS ने अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बैठक के दौरान CMHO डॉक्टर संजय गहलोत ने उपस्थित सभी कार्मिकों से अभियान में और तेजी लाते हुए अपना लक्ष्य 100% अर्जित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश वर्मा ने अभियान के तहत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा पेश की। इस दौरान केंद्र की ओर से नवनियुक्त CMHO डॉक्टर संजय गहलोत का माला पहनाकर स्वागत किया गया। आज हमारे संस्थान जिला क्षय रोग निवारण केंद्र ब्यावर पर CMHO सर की अध्यक्षता में एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंदर की हमारे ब्यावर जिले से जितने भी हमारे STS STLS है उनका जो हमारा NTP कार्यक्रम है उसको रिव्यू करा गया। साथ ही इसमें अभी जो हमारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारी जो आशाएं हैं, हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं वो घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे कर रहे हैं, जिसके के अंदर उसको रिव्यू करा गया कि जो हमारी आशाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपना सर्वे को कंप्लीट करें और ज्यादा से ज्यादा मरीजों को खोज के निकालें। साथ में इसमें जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जैसे कि टीबी के नोटिफिकेशन और मरीजों की बैंक डिटेल, साथ में जो UDST है, बाकी सब जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी साथ में रिव्यू किया गया। साथ में CMHO सर ने जो हमारे प्रोग्राम को रिलेटेड कुछ निर्देश दिए कि हमारी जो भी इंडिकेटर्स हैं उसमें ये होना चाहिए कि हमारा जो हमारा जिला बना है नया ब्यावर वो नंबर वन पे रहे और हमेशा आगे बढ़ता रहे। स्वायत्त शासन विभाग अजमेर की निदेशक भावना गर्ग बुधवार शाम को नगर परिषद ब्यावर पहुंची। इस दौरान गर्ग ने नगर परिषद की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण करते हुए विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं को संचालन की जानकारी ली। इस दौरान आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने DDR गर्ग को बुधवार को आयोजित शक्ति वंदन कार्यक्रम तथा आगामी 8 मार्च को आयोजित किए जाने वाले महिला दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान DDR गर्ग ने परिषद की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। निरीक्षण के पश्चात मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान परिषद की ओर से शहर विकास के लिए विभाग की ओर से किए जाने वाले कार्यों के सवाल पर उन्होंने कहा कि नगर परिषद ब्यावर प्रदेश की सबसे पुरानी परिषद है और इसका क्षेत्र भी काफी बड़ा है। निश्चित ही शहर के विकास के लिए विभाग की ओर से कार्य योजना तैयार की जा रही है। वर्तमान में राज्य तथा केंद्र सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ भी परिषद प्रशासन की ओर से आमजन को दिया जा रहा है। PMY योजना के तहत बिजली तथा पानी की तकनीकी समस्या के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि इस हेतु समस्या समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है, इस हेतु जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाया जाएगा तथा समस्या का समाधान करवाया जाएगा। परिषद निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता सुनील यादव भी उपस्थित रहे। कुछ जनरल जानकारी मैंने यहाँ के कार्य की ली है आयुक्त, जहाँ तक है आज जो मातृ वंदन का जो शक्ति वंदन का जो प्रोग्राम था वो काफ़ी अच्छा हुआ बताया, और अब भी हमारी 8 तारीख को जो प्रोग्राम करना है महिला दिवस पर उसकी तैयारियाँ भी जोरों शोर से चल रही है। तो जनरल मैनेजमेंट भी मैंने देखा कुछ थोड़ा बहुत, तो मुझे ठीक लगा, योजनाएँ जो हैं वो भी अच्छी गति पर चल रही है। तो बिल्कुल अभी सरकार की पूरी मंशा है कि जितने भी
योजनाएं सरकार की चल रही हैं, जो भी यूडीएच और स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा लोगों को जितने मैक्सिमम जो भी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है, जैसे कि ये भी PMKY और ये इस तरह के पट्टे का अभियान चल रहा है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, तो बहुत बड़ा ये परिषद है, 60 यहाँ पे वार्ड हैं, 2 लाख के करीब यहाँ की जनसंख्या है, तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने को है, एक चुनाव चला गया, दूसरा आने को है, तो अब हम लोग भी सब बिल्कुल तत्परता के साथ लगे हुए हैं कि किस तरह से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके योजनाओं का लाभ हम लोगों को दे सकें, और या बिल्कुल दे भी रहे हैं, प्रोग्रेस अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें PMY में ये प्रॉब्लम आ रही है लाइट कनेक्शन और पानी की, वो टेक्निकली प्रॉब्लम है, तो वो विभागीय स्तर पे निपटानी पड़ेगी, क्योंकि उतना बजट नगर परिषद के पास भी है नहीं। बिल्कुल, इसको टाइप करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ टाइप करेंगे, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि आप कलेक्टर साहब की नॉलेज में लाके जो विभिन्न विभाग है उनसे टाइप करके और जल्द से जल्द इसको, और इन्होंने नए भी फॉर्म्स जनरेट किए हैं जो नए बन सकते हैं इसके लिए टारगेट्स, 154 समथिंग फॉर्म्स इन्होंने जनरेट किए, जो पुराने जो चल रहे हैं, पूरी हमारी जो इसमें रहेगी प्रयास कि उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा के और शुरू करवा सकें। उपखंड अधिकारी गौरव बुड़ानिया बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान SDM ने लगेतखेड़ा ग्राम पंचायत में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय पशु चिकित्सालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अखेतगढ़ तथा ग्राम पंचायत लगेतखेड़ा का निरीक्षण किया। विद्यालय निरीक्षण के दौरान SDM बुड़ानिया ने बच्चों की शिक्षा के बारे में जानकारी देकर मोटिवेट किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से सवाल जवाब पूछे और बच्चों को जोड़, बाकी, गुणा भाग तथा कक्षा बोर्ड पर प्रश्न देकर हल करवाए। इस दौरान उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांव अखेगढ़ ग्राम पंचायत में बच्चों की क्लास भी ली। शहर के सूरजपोल गेट बाहर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के मौके पर सत्संग महोत्सव का आयोजन किया गया। रमेश भराड़िया एवं वीणा राजेश जवर के सौजन्य से आयोजित सत्संग महोत्सव के दौरान कृष्ण दीवानी स्वर रागिनी ग्रुप की चंचल सोनी एवं शालिनी शर्मा की ओर से भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। सत्संग महोत्सव के दौरान पंडित जितेंद्र दादिस द्वारा ठाकुर जी के गर्भगृह में नैना भी राम श्रृंगार किया गया। आओ जी गजानंद आओ, कीर्तन का मान बढ़ाओ, भजन से गणपति वंदना के साथ शुरू हुए सत्संग महोत्सव के दौरान राम प्रभु के सेवक प्यारे सीता माँ के राज दुलारे महारा भोलानाथ अमली बांगा माई भांगड़ गुटायो राखुली माता पिता गुरुचरण में बार बार प्रणाम सरीके भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान भजन गायक चंचल सोनी तथा शालिनी शर्मा ने श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्ही से है, खर्चो भेज दे सांवरिया, फागुन मेलो आयो रे तथा तुम जोली भर लो भक्तो रंग और गुलाल से भजन प्रस्तुत कर कार्यक्रम को ऊंचाइयां दी। सत्संग कार्यक्रम के दौरान रमेश भराड़िया, शशि भराड़िया, अनिल कुमार भराड़िया, राजेश भराड़िया, वीणा जवर, मुकेश अरड़का सहित बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रोतागण उपस्थित रहे। श्री गंगा मैया मंदिर रैगरान पंचायत जमालपुरा की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। दिनेश सिंघारिया की उपस्थिति में आयोजित बैठक में उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने सर्वसम्मति से पंचायत के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें उपस्थित सभी ने मदन परसोया को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नवगठित कार्यकारिणी में अशोक कुरड़िया को पटेल मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी में सत्यनारायण बाकोलिया को कोषाध्यक्ष, कमल सिंगारिया को उपाध्यक्ष, दयाल तुनगरिया को सचिव, सुरेश चौहान को भंडारी तथा दीपक सिंगारिया को प्रचार मंत्री मनोनीत किया गया। बैठक में उपस्थित समाज बंधुओं ने नवगठित कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे लेना चाहेंगे पूरी टीम के साथ इजाजत, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार। माल्यांचल पर शाहपुरा मोहल्ला की ओर से होगा महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन की सफलता के लिए भगवान गणपति को दिया गया निमंत्रण। बरसों पुरानी नहर से अतिक्रमण हटाने की मांग, ग्राम पंचायत रास के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। DDR भावना गर्ग ने किया नगर परिषद का निरीक्षण, विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेते हुए दिए दिशा निर्देश। और श्री बांके बिहारी मंदिर में एकादशी सत्संग महोत्सव का आयोजन, कृष्ण दीवानगी स्वरागनी ग्रुप ने दी भजन की प्रस्तुतियां।